सवे भवतु सुखिन। अपरिग्रह दान त्याग भाव। भाग दो। कृपया किसी के नाम से द्वेष भाव नहीं रखते हुए उनके सद्गुणों से प्रेरणा लेते हुए सत्कर्म करें, यही लेख का उद्देश्य है। जैन धर्म के अनुसार सांसारिक धन संपत्ति के संचय की प्रवृत्ति के कारण मन लोभ रूपी विकार से ग्रसित हो जाता है, मन अहंकार रूपी विकार से ग्रसित हो जाता है, मन ईर्ष्या राग द्वेष रूपी विकार से ग्रसित हो जाता है, मन कामनाओं वासनाओं से ग्रसित हो जाता है, दूसरों को दिखाने के लिए अथवा इंद्रियों के कारण विवश होकर भोजन ग्रहण करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ तो यही है जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन ग्रहण किया जाए। अपरिग्रह और महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने राज्य धन दौलत संपत्ति समस्त ऐश्वर्यों समस्त रिश्ते नातों का त्याग कर वैरागी आसक्ति रहित जीवन जिया। जब सब कुछ त्याग कर निकले तो जो थोड़े से आभूषण पहन रखे थे वे आभूषण भी याचकों को दे दिए। सब कुछ दान करने के बाद उनके पास केवल एक ही वस्त्र बचा था। उन्होंने देखा कि किसी को उनके उस वस्त्र की कामना है। उन्होंने उस व्यक्ति की मंशा को महसूस किया और वह अंतिम और एकमात्र बचा हुआ वस्त्र भी उस व्यक्ति को दे दिया। यह अपरिग्रह की उच्चतम अवस्था है कि एक राजा ने अपना सर्वस्व बिना किसी अपेक्षा कामना के त्याग कर दूसरों को भेंट कर दिया। यही निष्काम सच्ची कुर्बानी है, यही निष्काम सात्विक त्याग है, यही निष्काम अपरिग्रह है। अपरिग्रह और भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने भी राज्य धन दौलत संपत्ति वैभव ऐश्वर्य सब कुछ त्याग कर अपरिग्रह को अपने तन और मन में स्थान दिया। यशोधरा ने जब भगवान बुद्ध से पूछा कि पुत्र राहुल को क्या दोगे तो भगवान बुद्ध ने कहा कि यह भिक्षा पात्र दूंगा। अर्थात जिसने मोक्ष लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम क्रोध लोभ माद मोह राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली हो तो ऐसे योगी भिक्षु को किसी भी पदार्थ के परिग्रह की आवश्यकता ही नहीं रहती है। अपरिग्रह और महर्षि दयानंद। महर्षि के माता पिता धनिक परिवार से थे। उन्होंने महर्षि के वजन के बराबर स्वर्ण व रजत का दान किया था। लेकिन महर्षि को भी भगवान बुद्ध व महावीर स्वामी की तरह धन दौलत से किसी भी तरह का मोह नहीं था। उनसे भी लोगों ने कहा कि उस परम शक्ति से मिलने के लिए धन दौलत का त्याग आवश्यक है। और कुछ बगुला भगत जैसे लोगों ने उनके सभी आभूषण ले लिए। महर्षि योग की प्रथम यात्रा के दौरान माउंट आबू में साधना कर रहे थे। उन्होंने अत्यंत असाधारण अपरिग्रह का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्हें कुछ लोग भोजन आदि देते रहते थे। महर्षि जितना भोजन एक दिन के लिए पर्याप्त होता था उतना रखकर शेष अन्य याचकों को बांट देते थे। भोजन का दूसरे दिन के लिए संग्रह नहीं करते थे। यदि किसी दिन भोजन नहीं मिलता था तो पानी में नमक घोलकर भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। अपरिग्रह और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। परम आदरणीय शास्त्री जी इस कलयुग में अपरिग्रह की उच्चतम अवस्था पर थे। उनके जैसा महान अपरिग्रह प्रधानमंत्री ना ही उनके पूर्व कोई हुआ था, ना ही वर्तमान में कोई उनके तुल्य है, और ना ही भविष्य में ही ऐसा प्रधानमंत्री इस धरा पर अवतरित होने की संभावना है। आदरणीय शास्त्री जी उतना ही वेतन लेते थे जितना कि घर खर्च के लिए आवश्यक होता था। एक बार उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि उन्हें जो वेतन मिलता था उस वेतन में से बहुत किफायत से घर का खर्च चलाकर उसने कुछ पैसे बचाए हैं। शास्त्री जी ने कहा कि मुझे वेतन अधिक मिल रहा है। उन्होंने वह बचत की राशि भी अपने वेतन में से कम करवा दी। आदरणीय शास्त्री जी एक बार साड़ी खरीदने गए। दुकानदार ने महंगी साड़ियां दिखाई। शास्त्री जी ने कहा कि
मुझे सस्ती साड़ी चाहिए, आप मुझे सस्ती साड़ी दिखाइए। दुकानदार ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारी दुकान पर आए हैं, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। शास्त्री जी ने कहा कि बिना पैसे के मैं साड़ी नहीं लूंगा, अतः सबसे सस्ती साड़ी मुझे दिखाएं। दुकान वाले ने संकोच करते हुए सस्ती साड़ियां दिखाई। शास्त्री जी ने उनमें से ही कुछ साड़ियां खरीदी। लगातार 3